हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल एवरी ग्लोरी। सो आज हम सीखेंगे स्किप काउंटिंग। आज हम क्या सीखेंगे? स्किप काउंटिंग। स्किप काउंटिंग का मतलब क्या होता है? यानी नंबर वाइज क्या है? जंप करना, जो ऊपर डिजिट दिया है, जैसे स्किप काउंटिंग बाय 2, 3, 4, 5, 10, 15, 20, बहुत से जो नंबर आ जाते हैं, जो ऊपर नंबर देना इतना ही हमें स्किप करना, अपने मन से स्किप नहीं करना। ओके, सो लेट्स स्टार्ट नाउ। सो व्हाट इज टुडेज चैप्टर? स्किप काउंटिंग। ओके, आज का चैप्टर स्किप काउंटिंग। तो देखो, फर्स्ट इसमें है ना, हर एक क्वेश्चन में मैंने टू टू क्वेश्चन डाले, देखो है ना, और थर्ड तक क्या है, फुल्ली क्वेश्चन है। ओके, तो देखो फर्स्ट स्किप काउंटिंग ऑफ टू। ओके, इसमें हमें टू स्किप करने। ओके, जैसे फाइव है, फिर फाइव के बाद टू नंबर्स को स्किप करो, फिर बाद में क्या आएगा वो हमें यहाँ पे लिख देना है, ठीक है। तो देखो फर्स्ट फाइव कोमा डैश 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 डैश। ओके, तो इसे कैसे करेंगे? फर्स्ट फाइव है, फिर हमें टू नंबर्स स्किप कर देने हैं। कौन से? सिक्स सेवन, फिर क्या लिखेंगे? एट। तो हम यहाँ पे एट लिख देते, फिर नाइन टेन इलेवन ट्वेल्व थर्टीन फोर्टीन फिफ्टीन सिक्सटीन सेवेंटीन एटीन नाइनटीन ट्वेंटी। ओके, ऐसे ही हमें क्या करते रहना है, ठीक है। फिर सेकंड देखो, थ्री टे थ्री कोमा डैश 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 डैश। ओके, तो इसे कैसे करेंगे? फर्स्ट देखो, हमें थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन टेन इलेवन ट्वेल्व थर्टीन फोर्टीन थर्टीन फोर्टीन फिफ्टीन सिक्सटीन सेवनटीन एटीन। अब मुझे बताओ इससे क्या बना? इससे क्या बन गया? थ्री का टेबल बन गया। देखो, थ्री वन जै थ्री, थ्री टू जै सिक्स, थ्री थ्री जै नाइन, थ्री फोर जै ट्वेल्व, थ्री फाइव जै फिफ्टीन, थ्री सिक्स जै एटीन, बन गया ना टेबल। कोई क्वेश्चन में क्या है, टेबल बन जाता है, पैटर्न्स होते हैं ना, उनमें भी टेबल्स बन जाता है ना। फिर देखो सेकंड, स्किप काउंटिंग ऑफ फाइव। इसमें हमें स्किप काउंटिंग ऑफ फाइव करना है। ओके, तो देखो जीरो, तो फिर कैसे करेंगे अपन? देखो जीरो वन टू थ्री फोर फाइव, तो हम यहाँ पे फाइव लिखेंगे। सिक्स सेवन एट नाइन टेन, तो हम यहाँ पे टेन लिखेंगे। ओके, इलेवन ट्वेल्व थर्टीन फोर्टीन फिफ्टीन, तो हम यहाँ पे फिफ्टीन लिखेंगे। सिक्सटीन सेवनटीन एटीन नाइनटीन ट्वेंटी 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 वन ट्वेंटी टू ट्वेंटी थ्री ट्वेंटी फोर ट्वेंटी फाइव ट्वेंटी फाइव। अब बताओ इससे क्या बना? जिसको टेबल लाना उसे ही पता चलेगा क्या बन गया। फाइव का टेबल बन गया। देखो, फाइव वन जै फाइव, फाइव टू जै टेन, फाइव थ्री जै फिफ्टीन, फाइव फोर जै ट्वेंटी, फाइव फाइव जै ट्वेंटी फाइव, बन गया ना टेबल। हाँ, फिर देखो सेकेंड फाइव, अब यहाँ पे फाइव मिला, इसे कैसे करना है? फाइव सिक्स सेवन एट नाइन टेन, ये टेन, इलेवन ट्वेल्व थर्टीन फोर्टीन फिफ्टीन फिफ्टीन सिक्सटीन सेवनटीन एटीन नाइनटीन ट्वेंटी 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 वन ट्वेंटी टू ट्वेंटी थ्री ट्वेंटी फोर ट्वेंटी फाइव ट्वेंटी फाइव ट्वेंटी फाइव ट्वेंटी सिक्स ट्वेंटी सेवन ट्वेंटी एट ट्वेंटी नाइन थर्टी, ये थर्टी। अब ये भी क्या बन गया? फाइव का टेबल बन गया। फाइव वन जै फाइव, फाइव टू जै टेन, फाइव थ्री जै फिफ्टीन, फाइव फोर जै ट्वेंटी, फाइव फाइव जै ट्वेंटी फाइव, फाइव सिक्स जै थर्टी, बन गया ना टेबल। फिर देखो थर्ड, स्किप काउंटिंग ऑफ टेन। ओके, ये वाला तो बहुत सिंपल, स्किप काउंटिंग ऑफ टेन तो मैंने बहुत सिंपल क्वेश्चन दिए हैं, कैसे करना है देखो। ट्वेंटी, फिर ट्वेंटी के बाद क्या आता है? ट्वेंटी, फिर फुल उसे ट्वेंटी नाइन तक पूरा कर लेंगे, फिर क्या आता है? थर्टी। ऐसे ही चलता रहेगा, मतलब टेंस में ऐसे चलता रहता है, ठीक है ना। तो देखो ट्वेंटी, आपको एक बार बोल के बताओ, देखो ट्वेंटी
21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30. ठीक है, फिर 40, 40, फिर आएगा 50, 50, फिर 60, ये रहा 60, फिर ये 70. इज इट सिंपल? यस. ठीक है, तो देखो अब ये किसका टेबल बन गया, ये 10 का टेबल बन गया. 10 on the 10, 10 to the 20, 10 to the 30, 20 to the 40, 25 to the 50, 26 to the 60, 27 to the 70, 28 to the 80, 29 to the 90, 20 to the 100. Is it simple? Yes. ठीक है, फिर देखो सेकंड 40. अब इसे कैसे करना है, 40 फिर 50, 60, 50, 60, 70, 80, 90. हो गया ना सिंपल? हाँ, वैसे समझाऊं? देखो जैसे देखो इसमें देखो ये जो वाला है इसे हमने कैसे क्या, फर्स्ट हमने इसमें क्या करना है, 2 का स्किप करना है. ओके, 5 फिर 6, 7 को स्किप कर लिया, मतलब छोड़ दिया. ठीक है, डायरेक्ट हमने जंप कर लिया, 2 नंबर्स छोड़ के हमने जंप कर लिया. फिर क्या आया, 8, 9, 10 को छोड़ के 11, फिर 11, 12, 13 को छोड़ के क्या आएगा, फिर 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, ऐसे करने. ओके, फिर देखो नेक्स्ट 3. देखो अब ये क्या है, ये बन गया 3 का टेबल, बन गया ना. देखो 3 1 3, 3 2 6, 3 3 9, 3 4 12, 3 5 15, 3 6 18, बन गया 3 का टेबल, बन गया ना. फिर देखो, फिर इसमें ना कोई कोई क्वेश्चन क्या टेबल में आते हैं, बहुत से आ जाते हैं ना. हाँ, ये एकदम पैटर्न जैसे होते हैं, पैटर्न में भी कोई कोई क्वेश्चन आ जाते हैं ना. पैटर्न में क्या है, पहले देखो अगर कोई लाइंस वाला है तो अप डाउन लेफ्ट राइट ऐसे क्या है क्वेश्चन आ जाते हैं. ओके, तो फिर देखो, फिर नेक्स्ट देखो, फिर ये क्या है, 0 मिला है तो 0, फिर बाद में 5 का टेबल स्टार्ट हो गया, ये देखो यहाँ पे है ना. फिर नीचे में भी देखो 5 का टेबल स्टार्ट हो गया ना देखो. ओके, तो इसमें क्या था, हमने 5 बाय स्पीकिंग किसका, 5 बाय स्किप. ठीक है, यानी छोड़ना है 5 नंबर्स. ओके, फिर देखो नेक्स्ट 3rd, स्किप काउंटिंग ऑफ 10. इसमें यह करना है हमें 10 नंबर्स को क्या है, स्किप करना है, मींस छोड़ देना है, डायरेक्ट जंप कर लेना है. ओके, तो देखो और ये जो 2 था इसमें हमें क्या करना है, 2 नंबर्स को स्किप करना है. ओके, 2 नंबर्स छोड़ना है फिर जंप कर लेना है, इसमें 5 नंबर्स छोड़ना है फिर जंप कर लेना है, 10 नंबर छोड़ना है फिर जंप कर लेना है, फिर हमारा आंसर आ जाएगा. ओके, आई होप कि आपको मेरा वीडियो पसंद आया होगा. प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब दिस वीडियो एंड बेल आइकन को दबाना ना भूले. बाय.